हेलो चिल्ड्रन आर यू आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड चिल्ड्रन नाउ वी विल रीड टाइगर आवर नेशनल एनिमल टाइगर क्या है हमारा नेशनल एनिमल तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे द मैग्निफिशेंट इंडियन टाइगर इज अ ट्रूली रॉयल एनिमल विद अ शॉर्ट स्ट्राइप्ड कोट द टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया

वो इसको और एनिमल से अलग करता है और एक स्पेशल प्लेस इसको देता है तो ये एक बहुत शानदार एनिमल माना जाता है और इसको क्या कहते हैं किंग ऑफ द फॉरेस्ट इंडियन टाइगर्स आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज आर क्यूरियस टू सी देम। द इंडियन टाइगर अट्रैक्ट्स टूरिस्ट एंड एनिमल्स लवर्स फ्रॉम फार एंड वाइड and people ट्रेवल a ग्रेट डिस्टेंस to गेट अ glimpse ऑफ दिस ग्रैंड एनिमल जो ये ग्रैंड एनिमल है इसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं ये जितने भी टूरिस्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है अपनी अपनी ओर क्योंकि ये बहुत शानदार और बहुत सुंदर लगता है टफ एंड मस्कुलर द इंडियन टाइगर रोम्स फ्रीली इन थिक फॉरेस्ट ऑल ओवर इंडिया द मोस्ट फेमस ऑफ दैम ऑल Is the white Bengal tiger found in the Sundarbans forest of Bengal? Unlike its cousins, who are golden with black stripes running on them, the white Bengal tiger is a pleasant white with contrasting black stripes. The stripes of a tiger are like our fingerprints. No two tigers have the same stripes. These stripes ऑल्सो हेल्प एट टू हाइड इन द टॉल ग्रास एंड ट्रीज जो टाइगर्स होते हैं इनकी बॉडी कैसी होती है टफ और मस्कुलर्स और ये जो है फ्रीली क्योंकि इनको डर तो किसी का होता नहीं है ये किसी को भी अटैक कर सकते हैं और कोई इनको अटैक नहीं कर सकता तो इनको डर तो होता नहीं है तो जितने भी जो घने जंगल होते हैं इनमें फ्रीली ये घूमते हैं और उनमें से जो मोस्ट फेमस होते हैं वो होते हैं वाइट बेंगाल टाइगर इनकी वाइट बॉडी में स्ट्राइप्स होते हैं और स्ट्राइप्स जो हैं जैसे हमारे फिंगर प्रिंट्स होते हैं ना ऐसे ही होते हैं क्योंकि सबके जैसे अलग अलग फिंगर्स होती हैं ऐसे ही इनके स्ट्राइप्स भी सबके अलग अलग होते हैं किसी के भी स्ट्राइप्स सेम नहीं होते दीज स्ट्राइप्स ऑल्सो हेल्प इट टू हाइड इन द टॉल ग्रास एंड ट्रीज जो स्ट्राइप की वजह से ही ये लंबी लंबी घास में और पेड़ों में जो है अपने आप को छुपा सकते हैं टाइगर्स फीड ऑन किसको कहते हैं जो शाकाहारी होते हैं जो मीट वगैरह नहीं खाते दो मैन ईटर्स आर द मोस्ट ड्रेडफुल ऑफ ऑल वाइल्ड पीस्ट टाइगर्स यूजली डोंट अटैक ह्यूमंस अनलेस इरिटेटेड और हार्ट जो टाइगर्स होते हैं ज्यादातर ये ये जो इनका फीड होते हैं ये किस पर फीट करते हैं ज़्यादातर है। ये ये हारबीवोड्स पर ही फीट करते हैं और जो मैन ईटर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं यूजली ये अटैक नहीं करते हैं ह्यूमन बींग्स पर लेकिन जब ये अटैक करते हैं इट मीन्स दे आर टू मच इरीटेटेड जब बहुत ज़्यादा ये लोग इरीटेट हो जाते हैं तब ये अटैक करते हैं टाइगर्स आर फास्ट रनर्स एक्सेलेंट स्विमर्स एंड देयर आईसाइट इज़ ए स्ट्रांग कैसे होते हैं ये फास्ट रनर होते हैं अच्छी स्विमिंग करने वाले होते हैं और इनकी जो आई साइट होती है वो भी बहुत स्ट्रांग होती है एट फुल रनिंग स्पीड दे रीच अ स्पीड ऑफ अप टू गो 60 किलोमीटर्स पर आवर बट देन आल्सो दे टेक टाइम ऑफ द एवरेज टाइगर स्लीप बिटवीन 16 टू 18 आवर्स बहुत तेज इनकी स्पीड होती है पर आवर जो है सिक्सटी किलोमीटर तक ये लोग इनकी स्पीड होती है उसको ये कवर कर लेते हैं और जो इनका सोने का समय होता है वो सिक्सटीन टू एटीन आवर्स होता है टाइगर्स लिव मोस्टली बाई दैमसेव्स एंड डोंट मूव इन पैक और ग्रुप्स लाइक सम अदर एनिमल्स दे आर डिफरेंट इन देयर हैबिट्स फ्रॉम लायंस, हु लिव टूगेदर एज अ फैमिली टाइगर्स रेस्ट ड्यूरिंग द डे इन द शेड And begin to hunt for food at dark. It's their good eyesight and a sharp hearing that helps them stalk their prey. Tigers kill other animals within second. Their tough and sharp claws play an important role in catching and holding on to their prey. Prey means Shikar. जो टाइगर्स होते हैं वो कभी भी आप देखेंगे तो ग्रुप में नहीं जाते हैं वो अकेले अकेले जाते हैं जनरली क्या होता है जो एनिमल्स और एनिमल्स होते हैं वो ग्रुप में जाते हैं लेकिन टाइगर्स अकेले जाते हैं सिंगल जाते हैं और जो डे टाइम में तो टाइगर्स जो हैं वो पेड़ की शेड में जो है रेस्ट करते हैं और रात में ये अपना खाना ढूंढने के लिए जाते हैं अपने शिकार पर निकलते हैं इनकी अच्छी आईसाइट की वजह से जो है ये बहुत जल्दी अपना जो शिकार होता है उसको पकड़ लेते हैं टाइगर्स विद इन सेकेंड्स जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनको मार देते हैं और उनके जो टफ और शार्प क्लॉज होते हैं वो शिकार को पकड़ने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं द एबिलिटी ऑफ बिग कैट्स टू रोर इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट्स ऑफ बोन्स अंडर द टंग द बंगाल टाइगर इज अ वेरी पेशेंट एनिमल इसकी जो एबिलिटी होती है रोरिंग की वो किससे कनेक्ट की जाती है उसका जो टंग के नीचे जो बोन्स होता है उसको बड़े अच्छे ढंग से वो अरेंज कर लेता है जो बंगाल टाइगर है वो बहुत पेशेंट एनिमल माना जाता है इट वॉचेस इट्स प्रे एंड वेट्स टिल द राइट टाइम टू मेक इट्स मूव इट हैज वेरी स्ट्रांग जॉज जॉज जॉ मीन्स ये जबड़ा इसको बोलते हैं जॉ इट कैच द प्रे बाइट नेक एंड द स्ट्रांग जॉ एंड टीथ हेल्प द टाइगर टू किल इट स्प्रे जो इसके जॉ जबड़ा जो होता है इसका बहुत स्ट्रांग होता है और इससे जो है वो क्या करता है अपने प्रे को कैच करता है जो स्ट्रांग जॉ और स्ट्रांग टीथ होते हैं ये टाइगर को उसका शिकार पकड़ने में शिकार को मारने में बहुत हेल्पफुल होते हैं इन्हीं की मदद से वो शिकार को पकड़ता है इट हैज अ स्ट्रांग सेंस ऑफ स्मेल इट कैन ऑल्सो सी क्लियरली इन द डार्क विच हेल्प्स इट टू हंट डूरिंग नाइट टाइम अब इसका जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है बहुत दूर से ये जो है स्मेल कर लेता है और रात के अंधेरे में भी इसको बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है बंगाल टाइगर तैर भी सकता है बहुत स्विफ्टली पानी में तैरता है एंड दे हैव द एबिलिटी टू शेड और ग्रो बॉडी हेयर जो उनकी बॉडी में बाल होते हैं उनको ग्रो करने का और उनको छोड़ने का उनको गिराने की भी उनमें एबिलिटी होती है टाइग्रेस आर डिवोटेड मदर्स हु केयरफुली प्रोटेक्ट देयर कप्स कब जो मन ऑफ टाइगर्स होते हैं उन्हें कहते हैं कप तो जो टाइग्रेस होती हैं वो बहुत डिवोटेड मदर होती हैं जैसे हमारी मदर हमारी केयर करती हैं, इन द सेम वे जो टाइग्रेस होती हैं वो बहुत केयरफुल मदर होती हैं और बहुत केयरफुली अपने बेबी को जो है प्रोटेक्ट करती हैं दे लुक आफ्टर देयर कप्स टिल यंग वंस आर अबाउट टू एंड हाफ ईयर ओल्ड जब तक वो टू एंड हाफ ईयर ओल्ड ढाई साल के नहीं हो जाते हैं। तब तक जो है जो मदर होती है, वो उनकी केयर करती हैं बंगाल टाइगर वेज अबाउट टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड किलोग्राम्स एंड इज अप्री मीटर्स इन वेट कितना होता है दो सौ से सौ किलोग्राम तक उसका वेट होता है और जो उसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है नियर अबाउट थ्री मीटर्स द फीमेल्स आर वन थर्टी टू वन सेवनटी किलोग्राम्स एंड अप टू टू पॉइंट फाइव मीटर्स लॉन्ग जो फीमेल होती हैं वो वन थर्टी से वन सेवेंटी किलोग्राम की होती हैं और टू पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग होती हैं टू चेक द डिक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया A program was started in April 1973 known as Project Tiger. This project aims to save tigers from dying out. Since then, the tiger population has shown a slight increase. So far, 19 tiger reserves have been established in the country under this project, covering over 29,716 नाइन किलोमीटर ऑफ द फॉरेस्ट एरिया अब जो एनिमल्स टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है धीरे धीरे डिक्रीज हो रही थी तो उसको रोकने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर नाम से जो है प्रोग्राम चलाया गया जिसका मेन एम था जो टाइगर्स थे उनको बचाना तब से लेकर जो है जब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तब से जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुई है और उसके बाद जो है 19 टाइगर रिजर्व्स बनाए गए जहाँ इनको सेफली रखा गया है जहाँ इनको फुल प्रोटेक्शन में रखा जाता है तो देखा बच्चों हमें टाइगर की पॉपुलेशन को डिक्रीज होने से बचाना है क्यों क्योंकि ये हमारा नेशनल एनिमल भी है और जो है अपना किस तरीके से अपने ग्रेस और स्ट्रेंथ की वजह से जो है ये पावरफुल एनिमल है एंड पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज यू कैन रिवाइज इट